बिहार के भागलपुर जिले का हंसता खेलता यह गांव पूरी तरह तबाह हो गया है। बच्चों की किलकारियां अब गूंजनी बंद हो गई हैं, गलियां वीरान हो गई हैं। प्रकृति के प्रकोप और सरकार की उदासीनता ने इस भयावह मंजर को जन्म दिया। गंगा के थपेड़े इस कदर गांव पर पड़े कि कई दो मंजिला मकान उसकी आगोश में समा गए। पीड़ित अपने टूटे आशियाने के अवशेष को देखने गांव में पहुंच रहे हैं। रहने को कोई ठिकाना नहीं है, ऊंचे स्थान पर तत्काल प्रभाव से शरण लिए हुए हैं और निगाहें सरकार से मुआवजे की आस पर टिकी हुई। यह कहानी है जिले के सबौर प्रखंड के गंगा के किनारे प्रकृति की गोद में बसे मसाढ़ू गांव की, जो लगभग पूरी तरह गंगा नदी की गोद में समा गया है। स्थिति तो भयावह रूप हो गया। अभी पहले मिलजुल कर सब रहते थे, अभी सब कोई इधर उधर हो गया है। अभी नहीं खाने के लिए मिल रहा है, ना रहने के लिए मकान है, सब कुछ खत्म हो गया है। कैसे आप लोग घर बनाए थे यहाँ के लिए? बहुत मेहनत से घर बनाए थे पापा लोग, अब कुछ भी नहीं रहा। उस टाइम तो दर्द हुआ, बहुत ज्यादा दर्द हुआ। ना सरकार अब मुआवजा देने के लिए सोच रहा है, ना कुछ सोच रहा है। कोई देखने वाला नहीं है। कहते हैं कि इधर जिधर सरकार जमीन दे दे उधर जाके रहेंगे, और क्या कर सकते हैं। उतना भी पैसा नहीं है जिससे हम घर बना सके अपना खुद का। बहुत परेशानी हो रही है। अभी मकान भी नहीं है तो परेशानी और ज़्यादा हो रहा है। पहले तो सब मिलजुल कर रहते थे, अब सब परिवार बिछड़ गया। इधर कोई उधर हो गया, कोई उधर हो गया है। पूरा गांव तबाह हो गया है। मसाढ़ू गांव में 2 सितंबर से कटाव शुरू हुआ। सबसे पहले गंगा में बने 14 लाख के जल मीनार ने जल समाधि ले ली थी। फिर एक एक करके 3 दर्जन से अधिक मकान गंगा में समा गए थे। लाखों की लागत से बनी सड़क, पानी टंकी, सामुदायिक चौपाल, किसान भवन, मंदिर सभी कटाव की जद में आ गए, लेकिन किसी ने इनकी सुध नहीं ली। पीड़ितों की सहायता के लिए की गई व्यवस्था के नाम पर कम्युनिटी किचन जरूर मिला, लेकिन अब तक मुआवजा को लेकर किसी भी तरह की सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। गंगा के वजह से जो है ना, गंगा अपना रौद्र रूप दिखाई, जो कि हम लोग पहले जो जीवन था हम लोग का पूरा खुशहाल था, मिलजुल के रहते थे सब आपस में, पूरा खुशी था। अभी जो है एकदम वीरान सा हो गया है। लगभग 60 से 70 घर चला गया गंगा नदी में, और रोड जो था मेन NH80 से जुटता था वो हम लोग का चला गया। यहाँ स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। यहाँ पानी का व्यवस्था भी पीने लायक नहीं है, पानी चापाकल भी नहीं है। पहले BDO साहब के द्वारा जो दिया गया था, लगभग 60 से 70 घर चले गए, और सरकार के तरफ से जो है मुआवजा वाला जो बात हो रहा है उसमें जैसे कि एक उसका पिता है, उसको 4 पुत्र है, चारों का शादी ब्याह हो गया, सभी चारों भाई मिलजुल के घर बनाया था, लेकिन अब जो है मुआवजा सिर्फ एक आदमी को मिलेगा, तो उससे क्या होगा? 4 आदमी, एक उसका माता पिता, 5 गो का उससे होगा गुजर बसर। मसाढ़ू गांव के अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और उसी खून पसीने की कमाई से अपने सपनों का आशियाना बनाया था। आंख के सामने उनके सपनों का आशियाना गंगा में समा चुका है। कटाव रोधी कार्य के नाम पर जल संसाधन विभाग ने लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन 1 इंच भी जमीन नहीं बचा सके। इससे यह साबित होता है कि काम में लापरवाही के साथ पूरी तरह से खाना पूर्ति की गई। नतीजतन हंसता खेलता यह मसाढ़ू गांव अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। पीड़ित महिलाएं घंटों गंगा किनारे टकटकी लगाए माँ गंगा को निहारते रहती हैं, और लोग प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति के मुआवजे के लिए सरकार से आस लगाए बैठे हैं। भागलपुर से TV9 के लिए शिवम की रिपोर्ट।